गाइस वेलकम बैक टू मेंडिसल रफ एंड टफ राइडर इन ए टू जेड बाइक। आज एक्सट्रीम 125 आर में जो मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, जैसे क्रैश गार्ड हो गया, आपका वाइजर हो गया, प्लस लेडीज फुट रेस्ट है, वो सब चीज़ मैं लगाने वाला हूँ। वो भी कैसे फिट करना है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आपको नया नया वीडियो देखने को मिलता रहता है। और ये जैसे ये वीडियो को है ना शेयर भी करें, जैसे आप कैसे फिट करना है, चाहे जैसे कैसे फिटिंग है, वो सब चीज़ आपको समझो पता चल जाएगा। और इसके साथ हमने जो लगाने वाला, पहले तो हम देखें वाइजर का मैं दिखा दूं कि कैसे फिट करना है, और क्रैश गार्ड का। क्रैश गार्ड हमारा आ गया, ये जो सबसे हेवी क्वालिटी है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम है, देख सकते हो आप। एक नट हमने जो ये कंपनी के साथ आया है ये हमने खोला है, और हमारा ये फिटिंग आपका बिल्कुल ऐसे आ जाता है, एग्जैक्ट फिटिंग है। एक ये आ गया और एक हमारा यहाँ आ गया, बिल्कुल ईजिली फिटिंग आपका ये आ जाता है। ये 13 नंबर का नट आएगा, ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे लग जाता है, और ये नीचे वाला जो है आपका कंपनी का ही बोल्ट जो है ना उसी में आपका लग जाता है, ये आपका फिटिंग आ गया, ये समझो बिल्कुल कंपनी फिटिंग आपका ये आ गया। और दूसरा एक बोल्ट जो आपका ये आएगा, देख सकते हो यहाँ पे ये लग गया, ये देख सकते हो आपका लग गया है। क्रैश गार्ड इजिली फिटिंग हो गया, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इंडिकेटर से लेके सब गैपिंग वगैरह बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। ये समझो कोई मतलब अनाड़ी जो होगा ना वो भी फिट कर लेगा, आप भी फिट कर सकते हो, ऐसे ही इसकी क्रैश गार्ड की फिटिंग है। पूरी फाइनल होने के बाद तो मैं ये दिखाऊंगा वाइजर कैसे लगाना है। वाइजर देख सकते हो, और सब बंदे क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, हमारा कोई जुगाड़ नहीं है। ये देख सकते हो हमारा इसी का वाइजर है, कहीं से आपका ये देख सकते हो, कहीं भी आपका फिटिंग जैसे इसी का ही एक स्टीम का आ गया आपका, और ये नट है यहाँ पे ऐसे आ गया। और आपका नंबर प्लेट का स्टैंड की जो पत्ती है वो मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे फिटिंग होगा। सो गाइस ये देख सकते हो हमारा कंपनी से जो आया था ऐसा है, हमने दो नट खोला है और दो हमारा लगे, ये जैसे खोलने के बाद ये हट गया, ये नट आया। और वाइजर कैसे लगाना है देख सकते हो, ये वाइजर हमारा आ गया और इसके ऊपर से ये आ गया आपका, और दो नट ये ऐसे फिर लग जाएगा। ये समझो प्लग एंड प्ले सिस्टम ये होता है, जैसे कि आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, चाहे सुराग वगैरह नहीं करना, ये बिल्कुल हमारे पास से जो औजार जो लोगे तो आपका वही आपको ये नट बोल्ट वगैरह और पूरा पूरा कम्प्लीटली आपको ये लग जाता है। ये देखो दूसरे साइड का भी हो गया हमारा, ये वाइजर की फिटिंग आ गई पूरी कंपनी फिटिंग, देख सकते हो। और लेडीज़ फुट रेस्ट कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं। सो ये देख सकते हो लेडीज़ फुट रेस्ट हमारा खुद का है, पहले और सब बंदे लगाते हैं यहाँ पर लगाते हैं जो काफ़ी नीचे हो जाता है, हमारा है बिल्कुल यहाँ पर लगेगा। ये आपका बोल्ट लग गया यहाँ पर, दूसरा हमारा इसका ये आ गया, इसकी फिटिंग आ गई पूरी, ये लग गया आपका। और दूसरी बात है ये देख सकते हो फुटरेस्ट और इसके दोनों बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल सेम साइज आता है, जैसे लंबे रूट पे जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला, चाहे लेडीज़ को पैर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। पूरी फाइनली फिटिंग होने के बाद मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि कैसी फिटिंग हुई है। सुबह जो अपना एक्सट्रीम 125 आर है पूरी कम्प्लीट हो गई है, जो मैं आपको दिखा दूँ, पहले तो हमारा वाइजर जो आपको मैंने दिखाया था ये वही नट लग के हमारा कम्प्लीट हो गया हुआ, और प्लग एंड प्ले सिस्टम हमारा आ जाता है ये वाइजर का। और इससे हमारा बिल्कुल जैसे कंपनी का जो गारंटी वगैरह है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। कोई भी आप काम कराते हो, चाहे हॉर्न से लेके लाइट से लेके कोई भी चीज़ कराते हो, तो उस चीज़ पे हम ज़रूर ध्यान देते हैं कि हाँ कंपनी का जो गारंटी होता है ना वो ख़त्म ना हो। और ये इसके साथ हमने ये वाइजर लगाने से आपका हो गया कि मीटर जो है बिल्कुल हमारा सेफ रखता है, जैसे कभी बाय द वे कभी होता था ये वाइजर पर ही आपको कुछ भी लगेगा, मीटर हमारा बच जाता है। मीटर आपका आपको भी पता है कि इसका बहुत ज़्यादा महंगा आता है, इस वजह से ये ज़रूर लगवाए। और क्रैश गार्ड लगने के बाद हमारा कुछ ऐसा लुक आ जाता है, गैपिंग से लेके हर चीज़ आपका डबल सपोर्ट। पहली बात तो मैं सपोर्ट दिखा दूं कहाँ कहाँ है, ये क्या होता है कि यहाँ से बंदे होता है, लेकिन ये है कि आपका ये सपोर्ट ज़रूरी है, इससे होता है कि हमारा जैसे अंदर से भी कुछ लगता है तो हमारा बिल्कुल बचाता है। और ये एक रॉड जो सिंगल यहाँ से अटैचमेंट होता है तो इससे मुड़ने का डर होता है, ये मुड़ेगा नहीं, आपको पैर में भी नहीं लगेगा, ऐसा हमने क्रैश गार्ड बनवाया है। जैसे ये हमारा बिल्कुल पैर में बिल्कुल भी लगना ही नहीं है, क्योंकि आप बैठ के अगर दूर भी जाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो जब भी कभी झटका लगता है तो आदमी आगे खिसकता है ना, तो ये पैर में नहीं लगेगा, ऐसा ही एक क्रैश गार्ड है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग का हमने बनवाया है। और फिटिंग का मैं बता दूँ कैसे कैसे लगाया है, ये फिटिंग का नट बोल्ट एक हमारा यहाँ पर लगा है, दूसरा हमारा ये कंपनी का ही नट खुला है उसी में हमारा ये टाइट हो गया, तीसरा हमारा यहाँ पर फिटमेंट हो गया है, इससे हमारा एकदम हैवी जो बाइक होती है वैसा लुक हो गया। दूसरे साइड से भी मैं दिखा दूं वैसी सेम फिटिंग होगा, दूसरा साइड फिटिंग आपका ये वैसी, एक आपका यहाँ आ गया, दूसरा हमारा यहाँ फिटिंग है, तीसरा हमारा ऊपर आ गया, देख सकते हो आप क्रैश गार्ड वैसे ही हमारा। इस साइड से भी गैपिंग वगैरह एग्जैक्ट फिटिंग हमने जो क्रैश गार्ड जो बनवाया है बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ तक कि हमने हर चीज़ पर ध्यान रखा है, जैसे
आपको बता ही दिया कि हाँ पैर वगैरह में लगने के लिए जो होता है ना, उस चीज के लिए आपको बिल्कुल सेफ रखता है। दूसरा और तीसरा चीज हमने लेडीज फुटरेस लगाया, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। लेडीज फुटरेस हमारा यहाँ पे एक आ गया फिटिंग और दूसरा यहाँ पे आ गया, और बल्कि ये फिटिंग देख सकते हो आप, जैसे फुटरेस हमारा और ये लेडीज फुटरेस का जैसे दोनों सेम हो जाता है। इससे होता है कि आप दूर जाते हो तो आपको फुल कंफर्ट होने वाला है, ये आपका जो है फुटरेस्ट ये देख सकते हो। और इसके साथ पाइये जो है हमने गेज जो है पाइप भी हैवी वाले लगवाए हैं, इससे पतला आता है लेकिन हमने लगवाए मोटे पाइप वाले लगवाए हैं, ये देख सकते हो आप। सब जो एक्सट्रीम का जो हमने जो भी प्रोडक्ट तैयार करवाया, खासकर जो भी यार हेवी करवाया है पाउडर कोटिंग से लेके और इसका गेज जो होता है ना वो हेवी वाले हमने लगवाया है। मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो आप, जैसे आप मंगवा कोरियर से भी मंगवा सकते हो, और शॉप पे आना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, और प्राइस वगैरह पूछना तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। लेकिन कॉलिंग टाइम होगी, जैसे कॉल आपको करना है तो सुबह 10 बजे के बाद जंबर जी करो, रात को 10 बजे से पहले जंबर जी आप कॉल करके आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ आपको, जैसे डिटेल में आपको जैसे जो चीज़ पूछना आप पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।